सत्ता का भोग विलास 40 साल से करने वालों ये सावधान हो जाइए। एनडीए इंडिया को मैं सावधान करना चाहता हूँ, जिन्होंने 40 साल में हमारे माता बहनों और झारखंड की अस्मिता को लूटा है, यहाँ का 40% खजाना को अडानी अंबानी को बेचा है। आज गांव का सरकार, ग्राम सभा पड़ा की सरकार हमारे हाथ में आएगी और ऐसे ऐसे जो दलाल है हमारे धरती माँ का, उनको हम नस्तबूत करेंगे, झारखंड से खदेड़ेंगे और भगाएंगे। और असली ग्राम की सरकार, पाढ़ा सरकार पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारत में आदिवासी पार्टी बड़ी जोर से प्रदर्शन करेगी, अपनी सरकार को बनाएगी। और आने वाले समय में कोई मैया योजना, दीदी योजना, गोगो योजना, भिखमंगा वाली धंधा हम नहीं चलने देंगे। झारखंड में हम यहाँ का मालिक है और यहाँ का सारा अधिकार हम ग्राम सभा और पड़ा सरकार का और हमारे झारखंड वासियों का है। आपने शोषण किया 40 साल में, उन्हें हम बता देंगे आने वाले इस विधानसभा चुनाव में कि आपका बोरिया बिस्तर बांध के आपको गंगा पार और नागपुर के सरकार को हम बोरा बिस्तर में बांध के दूर भगाएंगे झारखंड से। देख सकते हैं जो कि पढ़ा सरकार, पढ़ा सरकार क्या लग रहा है, आएंगे इस बार? हाँ, पढ़ा सरकार आएंगे इस बार। पढ़ा सरकार तो सदियों से आया हुआ है, जब से आदिवासी और इस प्रकृति का उदय हुआ है तब से हमारी रूढ़ी योद्धा व्यवस्था और व्यवस्था पढ़ा सरकार कायम है। लेकिन चंद दलालों ने हमारे समाज को और हमारी व्यवस्था को मिटा मिट करने का काम किया। क्या नाम हुआ दादा, क्या नाम? धान हो जाइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बहालिंडा हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं फिलहाल खूंटी रांची से हूँ। खूंटी से? जी, खूंटी से। आप पढ़ा सरकार जगरे उराव के समर्थक में है? हाँ, पढ़ा सरकार एक झारखंड में और पूरे भारत में कहा जाए तो अच्छी अच्छी शेर और मर्द है, हम उसके पीछे आ जाए हैं। और बाकी बात सब नेता, विधायक और एमपी बुजदिल दलाल बन के बैठे है, जो सन्ना कोर्ट का दलाल करते आए हुए हैं सदियों से। लेकिन उस सदा अभी भाजपा भी सरकार सन्ना कोर्ट नहीं दिला पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, सावधान हो जाइए। आने वाले समय में सिर्फ पर सिर्फ झारखी आदिवासियों का शेर पैदा होंगे झारखंड में और उन्हीं का सत्ता का चाबी हम सौंपने का काम करेंगे और पढ़ा सरकार को फिर से जीवित करेंगे और हमारी ना लोकसभा ना राज्यसभा ग्राम सभा की सरकार कायम करेंगे पूरे। देख सकते हैं जो कि काफी जुनून और गुस्सा वाले भाव में लगे बातचीत करेंगे, जो कि बिरसा मुंडा का रूप धारण करके आए। दादा इधर आ जाइए। कहाँ से हैं? कहाँ से? खूंटी से आए हैं, बिरसा मुंडा के पावन धरती से। बाप रे बाप, बिरसा मुंडा के पावन धरती से? जी जी बिल्कुल, पूरा एकदम रंग रूप तो बिरसा मुंडा जैसा लग रहा है। बिरसा मुंडा ही है ये, आधुनिक बिरसा मुंडा है। आधुनिक बिरसा मुंडा बिल्कुल। देख लीजिए जो कि दर्शक को क्या बोलना चाहिए कमांडर क्षेत्र का, जो कि जगरे उराव के समर्थक में हजारों की संख्या में आए हैं। अभी का परिस्थिति ऐसा है, चूँकि आदिवासी बिल्कुल विकट परिस्थिति में गुजर रहा है और एक आदिवासी भारत पार्टी है जो है आदिवासियों के लिए काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को फोकस करके चल रही है। तो ऐसे पार्टी को ना समर्थन करके हम दूसरे पार्टी को समर्थन नहीं कर सकते हैं। सही में? बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार झारखंड में एको सीट निकाल पाएगा? एक तो क्या, बहुत सारा सीट यहाँ से निकल पाएगा झारखंड से। अभी जिस तरह का लहर चला है ना भारत आदिवासी पार्टी का, तो आप देख रहे हैं आज भी कितना भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। इसी से पता चलता है कि इस और भी जगह है, ये तो केवल रांची में आप देख रहे हैं। खूंटी छोड़ के आप लोग यहाँ मांडर का विधानसभा को मतलब समर्थन देने आए हैं? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, खूंटी में भी हम समर्थन करते हैं, वो वहाँ का अभी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ की लिस्ट जारी नहीं। लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, जो कि लापोंग से लेके बेड़ो मांडर ये देख सकते हैं, जागरे उराव दादा आ गए हैं। दादा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार स्वागत। आप सबों को जोहार और विशेषकर मेरे जितने भी सरना धर्म गुरु हैं और हमारे जितने भी अगुवागण हैं, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हमारे ग्राम प्रधान से लेकर पाढ़ा राजा, पहान मुड़ा महतो, पैनभारा सोसारी और हमारा ये पाढ़ा जो कोटवार सिपाही मंत्री महामंत्री, आप सबों को बहुत बहुत जोहार। और विशेषकर मैं हमारा चितरंजन धर्मगुरु बंधन ये बाबा चितरंजन के जितने भी आज सत के रास्ता में चलाने के लिए सत मार्गदर्शक दे रहे हैं, उनको उन्हीं का आज ये है कि हम लोग का समाज इतना जागरूक हो रहा है और उसको मैं सपोर्ट करने का काम किया और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं उनका एक व्यवस्थापक हूँ और वो अपना
हमारे धर्म को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते जो कि हजारों हजार की संख्या में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जगरे दोहरा दादा विजय हो गए। ये विजय ही समझना है, ये हमारा एक एक व्यक्ति एक एक जनता को आज पता है। वो लोग जितना गरीबी से झेल रहे हैं उन लोगों को पता है गरीबी क्या होता है, और हमें विश्वास है कि हमारे जनता को हम आश्वस्त कर पा रहे हैं। हमारा जो पुरखौती सिस्टम व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा है, जो हमारा धर्म कर्म है, जो मेरा मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उसे मैं आज बताने का काम किया। ये भीड़ को देख करके लगता है कि सचमुच में मेरा आदिवासी मेरा नाम के साथ असर हो रहा है। मत जगरे उड़ाओ मतलब सभी को जगाने का काम कर रहे हैं और जागेंगे, ये मुझे विश्वास है। नाम के साथ जगाने का भी काम करेंगे। यस, जे फोर जगरे, जे फोर झिंझरी, जे फोर झारखंड, सारा मेरा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है जैसे, तो जगा के ही छोड़ेंगे, पूरा भारत देश को जगाएंगे। देख सकते हैं जो कि हजारों हजार की संख्या में लोग आए हैं, और दादा मुस्लिम समाज से भी लोग आए हैं, जैसे कि पार्टी का नाम तो आदिवासी पार्टी, लेकिन मुस्लिम समाज भी खुल के आ रहे हैं आपके साथ। यस, एकदम। ओ मेरा विचारों को जानते हैं, मेरा जो अंदर का जो मेरा मन है उसको जानते हैं। मेरा मुस्लिम भाई लोग, आदिवासी मूलवासी सब जानते हैं कि हम कैसा हैं, हमारा विचारधारा क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसको आज समझ पा रहे हैं। मेरा यही है कि हमारा एक उद्देश्य है कि जो आज तक हमारे आदिवासी मूलवासी जो कि पार्टियां बना बना करके हमें तोड़ने का काम किया है, ठगने का काम किया है, उसी का लड़ाई लड़ने के लिए हमारा पुरखा का पूर्वज का अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अगर जीतिएगा दादा मुस्लिम समाज के लिए क्या करिएगा? अगर हम आ जाते हैं विधानसभा में तो एक एक गरीब का मुद्दा को विधानसभा में रखूंगा, और हमारा सरकार जो भी बनेगी उससे मेरा क्वेश्चन होगा कि अगर एक एक व्यक्ति आपको वोट देती है तो उस वोट का कीमत क्या लगाते हैं आप, और उस वोट का कीमत उसको बताना होगा, और अन्यथा ये जुमलाबाजी अब नहीं चलने वाला है। देख सकते हैं जो कि गरीबों का मुद्दा को उठाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, कैसा लग रहा है आप लोग को? चलिए और भी मैं बातचीत करने का कोशिश करेंगे। काफ़ी खुशी के साथ उत्साह के साथ स्वागत करते जा रहे हैं, और भी लोग हैं। दादा कैसा लग रहा है नॉमिनेशन करके हजारों के संख्या में आप लोग जा रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा और बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है बहुत। पार्टी तो आदिवासी पार्टी नाम है लेकिन मुस्लिम समाज खुल के आ रहा है। ये मूलवासी आदिवासी सबका नेता है, सबका नेता है। बंधु तिर्की, वो बंधु तिर्की भी है, पर वो भाई हम जो जिसको जानेंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेगा काम करेगा उसी को ना जानेंगे। क्या क्या लगता है मुस्लिम समाज से हम नेतृत्व कर रहे हैं, मुस्लिम समाज से वोट मिलेगा जगरे उराव को? बहुत मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, मेहनत किया है, मिलेगा, एकदम मिलेगा। कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। तो अगर जीतेंगे दादा तो क्या मांग कीजिएगा आप लोग? हम लोग को क्या मांग है, बाल बच्चा सही स्कूल हो, मदरसा हो और सर्विस हो, लड़का लोग मेहनत करेगा खेल कूद में, ये सब का व्यवस्था कर दे, और इससे बढ़ के क्या चाहिए। बाल बच्चा का, बच्चा लोग आने वाला का भविष्य बने, कहीं ना कहीं एजुकेशन धर्म के प्रति भी जागरूक और एकजुटता। कोई जाति पाति नहीं चाह रहे आप? कोई जाति पाति नहीं है, कोई जाति पाति नहीं। बहुत ही अच्छा सुंदर विचार है दादा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपको। ओके, और भी लोग से मैं बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिंधानी से आए। बिंधानी से? हाँ। इतना दूर से? बहुत दूर। बच्चा लेकर आए? हाँ, बच्चा लेकर आए हैं। देख सकते हैं काफी खुशी नजर में आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? इटकी। इटकी? हाँ। देख सकते हैं इटकी, मांडर, झिंझरी सब जगह से जुटे हैं। आप लोग कहाँ से? इटकी से। सरा इटकी? इटकी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम तो तबेर खुर्द से। तबेर खुर्द मांडर विधानसभा। हाँ। चलिए और भी लोग हैं उससे मैं बातचीत करने का कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं जो कि भारत आदिवासी का जो कि आदिवासी रियल ऑफ ओनर जो कि जगरे उराव जी का गाड़ी है, और देख सकते हैं और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम झिंझरी से हैं। क्या नाम हुआ? तौसीफ अंसारी। अच्छा, तब कैसा लग रहा है जगरे उराव? बेस्ट है, एक नंबर नेता है। अच्छा नेता है। जी जी। शिल्पी नेहा तरीके से खुश नहीं है? खुश नहीं है, कुछ काम नहीं किया है अभी तक।
अच्छा, अगर आपके जगरे उराव नेता जीतेंगे तो क्या मांग कीजिएगा? क्या जी? जगरे उराव जीतते हैं तो क्या मांग कीजिएगा? पहले रास्ता मांगेंगे, रास्ता, रोड मांगेंगे, रोड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग से बातचीत करें। कहाँ से आए दादा? मैं इटकी से आया हूँ। इटकी से? जी हाँ। कैसा लग रहा है, हजारों हजार की संख्या दिख रही है? ये आदिवासी लोगों की पहचान है ये। अच्छा, जो यहाँ एक बार बीजेपी आ चुकी है, कांग्रेस आ चुकी है, लेकिन इस बार ये आदिवासी का जो आया हुआ है बाप, ये सबसे बड़ी जीत है आदिवासी युवाओं के लिए। का बाप है? हाँ, ये आदिवासियों का पहचान खाना है। आदिवासी एकता कैसा है उसको? पूरा आदिवासी एकता दिखाइएगा। पूरा आदिवासी एकता दिखाएंगे हम लोग। आदिवासी 32 जनजाति है, एकजुट कर पाइएगा? कर लेंगे, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। जो कि आदिवासी का 32 जनजाति है उसको एकजुट करने का बातचीत कर रहे हैं। और भी आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग हैं लापुंग से। लापुंग से? आप लोग दादा? लापुंग से। आप लोग कहाँ से? लापुंग। कहाँ से हैं दादा? जिंजरी। जिंजरी, लापुंग, और बहुत ही जगह से आए हैं। आप कहाँ से? लापुंग से। लापुंग, देखा जाए लापुंग से हजारों हजार की संख्या में आए हैं, बुजुर्ग लोग से बातचीत करना चाहते हैं। दादा कहाँ से हैं? गढ़गांव। गढ़गांव, बेड़ो। गढ़गांव, बेड़ो। क्या लग रहा है जगरे उराव जी इस बार आएंगे? आ रहा तो आएगा, आएगा एकदम, जरूर आना है, आना है। इनका क्या काम अच्छा लगा आपको दादा? इसको सब चीज का, समाज का काम हम लोग का, सब चीज अच्छा लगता है। हम करता है कर रहा है। अभी जीता भी नहीं तो भी करता है? हाँ, जीता भी नहीं है अभी, और करता है काम, बहुत काम कर रहा है। अच्छा। चलिए, बने रहिए तब तक के लिए। धन्यवाद, जोहार।